देखिए पूरा बिहार आज सचमुच कहा जाए तो वहां कोई कानून का राज्य नहीं रह गया है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। मजाक बना के रखा है चाचा भतीजे की सरकार ने। मुझे लगता है कि आए दिन लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जो वहां हत्या और बड़े पैमाने पर वहां हत्या का दौर लगातार जारी है। मुझे लग रहा है कि अररिया के अंदर जो बिमल यादव एक अच्छा पत्रकार उसके हत्या कर दी गई खुले सरेआम और गोली मार के उसकी हत्या हुई। कुछ समय पूर्व उसके छोटे भाई की हत्या हुई थी। बगल में समस्तीपुर में भी अभी मुश्किल से कुछ दिन पहले वो दरोगा SHO के चेहरे पर गोली मार करके और खुलेआम उसकी हत्या की गई। मुझे लग रहा है उसी प्रकार से 15 अगस्त को भागलपुर में एक युवक और युवती को पीट पीट कर उसकी हत्या की गई। तो ये पूरी तरह से शर्मसार करता है। और सच कहिए तो बिहार में अपराधियों का जो और गुंडों का हौसला इतना बुलंद है कि वो सातवें आसमान को छू रहा है। तो निश्चित रूप से आज बिहार देश में एक क्राइम स्टेट के रूप में हमको लग रहा है कि पूरी तरह से बिहार सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है कि क्राइम स्टेट के रूप में बिहार आज गिना जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।